हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन जो दिया है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो एन की वैल्यू होनी चाहिए नेचुरल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 + 3 + 3² + up to 3n-1 = 3n-1/2। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि n की वैल्यू वन पुट करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। फिर n की वैल्यू टू पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। पहले इसमें n की वैल्यू वन पुट करते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल स्टेटमेंट। n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 मीन्स लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 1। और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 3n³ - 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे 2/2 = 1। तो यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम n की वैल्यू को अब 2 लेट करते हैं। n की हम सिर्फ 1 तक ही रखेंगे, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। n की वैल्यू 2 रखी हमने, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना, 1 + 2। पहले लेफ्ट हैंड साइड कितना, 1 + 3 = 4। और अब राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की n की जगह पे क्या आएगा 2 - 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 9 - 1/2, और ये हो गया 8/2, कितना आया, 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे लिए P2 भी क्या हो गया, P1 भी ट्रू हो गया। ऐसे ही अगर हम P3 फाइंड करेंगे तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। P3 में क्या होगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह अगर हम n की वैल्यू k पुट करें तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी। क्योंकि अगर हम चाहे 1 पुट करें, चाहे 2 पुट करें, चाहे 3 पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो अब हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, k। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, PK = यहाँ पे आएगा 1 + 3 + 3² + -3k - 1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी n की जगह पे k - 1/2। अब अगर जैसे हमने क्या किया था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद, ऐसे चलते चलते हम k तक पहुँचे, और k के बाद क्या आएगा, k+1। तो इसका मतलब ये k+1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, तो हम k+1 के लिए भी करेंगे, n की जगह पे k+1। यहाँ पे n था, n की जगह पे k+1, तो मीन्स हमने क्या लिखा, k+1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k+1 आ जाएगा। 1 + 3 + 3² + तो n की जगह पे क्या आएगा, k+1। तो यहाँ पे आ गया k + 1, और उसके बाद माइनस, और फिर ये वाला 1। लेकिन जब हमने k+1 वाली टर्म लिखी तो इसके पहले k वाली टर्म भी तो होगी और ये माइनस का माइनस 1। यहाँ देखो, यहाँ k था, तो इसके बाद वाली टर्म क्या थी, k+1। तो ये k वाली टर्म है, उसके बाद वाली k+1, फिर माइनस, फिर 1। तो ये हमने ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इतनी, ये वाली इतनी टर्म है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी,
थ्री के माइनस वन अपॉन टू, और ये प्लस का प्लस, और ये थ्री, ये के प्लस वन माइनस वन, तो माइनस ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या रह गया, थ्री की पावर के अकेले। और ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा, अभी राइट हैंड साइड भी थी, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड पे था थ्री एन था, एन की जगह पे क्या आएगा, के प्लस वन और माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन अपॉन टू। अब ये हो गया थ्री के माइनस वन प्लस, ये टू को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया टू इंटू थ्री के अपॉन टू, और ये हो गया थ्री के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। अब इसके बाद इन दोनों में, इसके पास भी थ्री के है, इसके पास भी थ्री के है, तो हम थ्री के को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो गया थ्री के, और ब्रैकेट में रह गया ये टू, और इसके पास तो प्लस वन, टू प्लस वन, और ये बाहर माइनस वन अपॉन टू। अब ये देखो, ये हो गया थ्री के, टू प्लस वन थ्री अपॉन टू, तो ये हो गया के प्लस वन माइनस वन। अब ये हो गया बेस सेम पावर ऐड, ये बेस थ्री है, तो पावर ऐड होकर क्या हो जाएगी, के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे थ्री के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हैंस बाय पीएमआई, हैंस बाय पीएमआई पी वन इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया था, पी के इज ट्रू, और पी के प्लस वन इज ट्रू। तो हमने ये क्यों निकाला, हमने ये इसलिए फाइंड किया था कि अगर हम वन पे फाइंड करते तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी थी, टू पे भी फाइंड करते, थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे हम कितनी वैल्यू लेते जाते, तो हमने क्या किया, सीधा के ले लिया, तो के के लिए भी वैल्यू हमारी ट्रू आनी चाहिए थी, अगर हम टू थ्री फोर फाइव सब के लिए आ रही है तो फिर के लिए भी आएगी। तो अब अगर हमने के एक वैल्यू ली, तो जैसे हम वन के बाद टू ले रहे थे, तो टू के बाद थ्री ले रहे थे, तो लेफ्ट राइट इक्वल आ रही थी, तो उसी तरह के बाद अगर हम के प्लस वन लेंगे तो उसके लिए भी ट्रू आनी चाहिए थी। तो वो हमने कैसे प्रूव कर दिया, ऐसे यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया है वन क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अप टू एन क्यूब इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल क्यूब होल स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम पी वन फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे पी के फाइंड करेंगे, उसके बाद हम प्रूफ कर देंगे कि पी के प्लस प्लस वन भी ट्रू है। तो हम पी वन से स्टार्ट करते हैं, ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है पी वन पी एन, तो ये पी एन दिया हुआ है, तो हम पी वन फाइंड करते हैं। तो पी वन फाइंड करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का सम कितना आएगा, वन का क्यूब वन ही आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, एन की वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो वन, यहाँ लिख देंगे हम एन इक्वल टू वन, वन प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर, और यहाँ से आ गया वन टू अपॉन टू का स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आया वन, वन का स्क्वायर क्या आएगा वन, तो यहाँ से मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो इसका मतलब है पी वन इज ट्रू। इसके बाद हम के लिए फाइंड करते हैं, तो इसको हम पहले एक लाइन लिखेंगे, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, क्योंकि अगर ये वन के लिए थी तो हम टू पे चेक करेंगे, टू के लिए भी ट्रू होगी, थ्री फोर फाइव,
इसी तरह हमने क्या लेट कर लिया कि ये के लिए भी ट्रू है, तो हमने क्या लाइन लिख दी, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो जहाँ पे एन होगा वहाँ पे हम के लिखेंगे। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बन जाएगी वो हो जाएगी 1³ + 2³ + 3³ के का क्यूब, और यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, के 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 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। अब हम जहाँ पे के होगा वहाँ पे के प्लस 1 करेंगे, तो ये हो गया एन की जगह पे के प्लस 1 मीन्स 1³ + 2³ + 3³। तो के वाली टर्म तो होगी के बाद, उसके बाद के प्लस 1 वाली टर्म भी, तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे क्या आएगा के प्लस 1, तो अप टू के प्लस 1, और ये एन की जगह पे के प्लस 1 आ गया क्यूब। लेकिन यहाँ पे अगर के प्लस 1 है तो इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो तो के होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा के का क्यूब। जैसे ये चल रहा था ना 1³ 2³ 3³ 4³ 5 6, जैसे ये 3 का क्यूब है तो इससे पहले वाली 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे के प्लस 1 है तो इससे पहले वाली एक कम होगी, एक कम मीन्स के प्लस 1 में से एक कम कर देंगे तो ये के का क्यूब। अब यहाँ पे भी एन के था तो यहाँ पे के प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे के के की जगह पे क्या आएगा के प्लस 1, और ये प्लस 1 साथ में अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये टर्म है ये अभी हमने देखा ये लिखा था, तो इसको हम इसकी जगह पे लिख देंगे, तो ये हो गया इसकी जगह पे ये हो गया के के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू के प्लस 1, ये होगा के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और इन दोनों में से के प्लस 1 अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा के प्लस 1 स्क्वायर बाहर निकाला तो ये होगा के अपॉन 2, और यहाँ पे रह गया एक के प्लस 1, दो बार के प्लस 1 स्क्वायर बाहर आ गया, के प्लस 1 रह गया, तो यहाँ पे क्या आ गया के प्लस 1, और ये हो गया के प्लस 1 के प्लस 2 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो ये होगा के प्लस 1, और एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 और ये के, ये 2 इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो गया 2k+1, और यहाँ हो गया k+1 k+2 / 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k+1 का स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे के प्लस 1 का होल स्क्वायर था तो ये पूरे के ऊपर स्क्वायर था, तो मतलब हमने k+1 का होल स्क्वायर इसमें से बाहर निकाला तो इसके ऊपर स्क्वायर रह गया था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2k+2/2, और यहाँ से k+1 k+2/2 का होल स्क्वायर, और ये के इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हो गया k² + 2k + 2, तो ये होगा k + 2, और इन दोनों में से k कॉमन लिया तो ये हो गया ये होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी 4 आना था। तो ये 4 इधर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 4, तो ये 4k+4। अब इसके फैक्टर बना दें तो ये हो गया k² + 4k + 4, तो ये हो गया k² + 2k + 2 k+4, तो k कॉमन लिया k+2 + 2 k+2।
तो यहाँ से फैक्टर बने के प्लस टू, के प्लस टू, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, के प्लस टू, के प्लस टू, के प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे के प्लस टू, के प्लस टू अपॉन फोर, और ये के प्लस वन, के प्लस टू अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अभी इसका भी स्क्वायर है, ये दो बार टाइम्स लिखा हुआ है या ये फोर लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के प्लस वन, ये हो गया के प्लस टू अपॉन टू का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी यही वैल्यू थी के प्लस टू का, ये सारे के होल स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ से प्रूव हो गया पी के प्लस वन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है पी के प्लस वन इज ट्रू, हैंस ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई थी पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमने ये क्यों बोला कि ये सबके लिए ट्रू है, क्योंकि पी वन पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही थी, उसी तरह के को हमने माना कि ये ट्रू है और के प्लस वन हमने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है वन प्लस वन बाय वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश एन इक्वल टू टू एन प्लस टू एन अपॉन एन प्लस वन। अब हमें ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे पी वन से। ये हमारी स्टेटमेंट पी एन दी हुई है, तो हम पी वन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास वन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई वन। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एन इक्वल टू वन, फोर एन इक्वल टू वन, तो यहाँ पे टू इंटू एन की वैल्यू वन, वन प्लस वन ये हो गया टू अपॉन टू, कैंसिल करके आ गया वन, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पी वन इज ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब जहाँ जहाँ पे एन होगा वहाँ पे हम के रख देंगे, तो सेम यहाँ से ये वैल्यू स्टेटमेंट, अब एन की जगह पे क्या आएगा के, तो ये हो गया वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन अपॉन वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू, यहाँ पे एन की जगह पे के। अब यहाँ पे टू के अपॉन के प्लस वन, ये तो हमारी के की स्टेटमेंट होगी। अब हमने क्या प्रूफ करना है अगले स्टेटमेंट, अगले स्टेप में, कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के प्लस वन। नाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। अब जहाँ जहाँ पे एन होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे के प्लस वन, तो ये पी एन की जगह पे क्या आएगा के प्लस वन, यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू, यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री, यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू, अब यहाँ पे के था तो यहाँ पे क्या आएगा के प्लस वन। अब यहाँ पे के प्लस वन लिखा है, तो इसका मतलब इससे पहले वाली टर्म के के प्लस वन भी होनी चाहिए थी, तो हम क्या करते हैं के प्लस वन, वन वाली टर्म भी लिखते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में के वाली टर्म भी लिखी हमने और उसके आगे के प्लस वन वाली, के प्लस वन वाली टर्म वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू के प्लस वन इक्वल टू, और ये आ गया टू, और यहाँ पे
के की जगह पे के प्लस वन फोन के प्लस वन प्लस वन। अब जो ये टर्म थी इस पूरे की वैल्यू हमारे पास है टू के अपॉन के प्लस वन, तो ये हो गया टू के अपॉन के प्लस वन। और ये वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू के प्लस वन। और ये राइट हैंड साइड पे टू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन वन टू। अब यहाँ पे टू के अपॉन के प्लस वन, और यहाँ ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला नहीं बन रहा, ये था हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, तो इसका फॉर्मूला था एन एन प्लस वन अपॉन टू। लेकिन यहाँ पे अगर के होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एन था तो यहाँ पे एन एन प्लस वन, और यहाँ पे अगर होता एन प्लस वन तो ये एन की जगह पे एन प्लस वन है, तो ये एन की जगह पे क्या जाना था एन प्लस वन, और ये एन की जगह पे एन प्लस वन प्लस वन, तो प्लस वन प्लस वन ये क्या था एन प्लस टू पॉन टू। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आएगा, बस एन की जगह पे क्या होगा के, तो इसी को लिखेंगे, ये हो गया टू के अपॉन के प्लस वन, और इसकी जगह पे क्या आएगा वन अपॉन ये के प्लस वन के प्लस टू, और ये जो नीचे टू था ये ऊपर चला जाएगा, ये हम ऐसे लिख देंगे टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। तब इसमें से दोनों में से टू को मिलेंगे, इन दोनों में से के प्लस वन को मिलेंगे। अब यहाँ पे रह गया के प्लस, और इसमें रह गया वन अपॉन के प्लस टू, और ये लेफ्ट राइट हैंड साइड। यहाँ पे आ गया टू अपॉन के प्लस वन के प्लस वन अपॉन के प्लस टू टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा टू अपॉन के प्लस वन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा के प्लस टू, और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा के प्लस टू प्लस वन। तो यहाँ से अब ये हो गया टू अपॉन के प्लस वन, और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा के स्केयर प्लस टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, और यहाँ पे टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर क्या बनेंगे, के ये हो गया टू अपॉन के प्लस वन, और यहाँ फैक्टर बना रहेंगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, ये हो गया टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। तो यहाँ से फैक्टर बनेंगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, के बाहर लेंगे के प्लस वन प्लस वन के प्लस वन, तो यहाँ पे हो गया के प्लस वन के प्लस वन, इसके दो फैक्टर बन गए। तो ये हो गया टू अपॉन के प्लस वन, और ऊपर आ गया के के प्लस वन के प्लस वन, डिनोमिनेटर में के प्लस टू, तो यहाँ हो गया टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। और यहाँ से ये कैंसिल, और ये हो गया टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, और यहाँ पे टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब है पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस स्टेटमेंट
pn is true for all natural numbers. जब हम यहाँ पे लेट करेंगे k को, तो यहाँ पे हम k को लिख देंगे वेयर k k बिलोंग टू नेचुरल नंबर. इसके बाद करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन. अब हम पी वन से स्टार्ट करते हैं. पी वन फाइंड करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वन इंटू टू, ये हो गया वन इंटू टू इंटू थ्री लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया सिक्स. अब हम राइट हैंड साइड पे एन की वैल्यू हमने क्या, अब यहाँ पे एन की वैल्यू वन, राइट हैंड साइड पे वन, और यहाँ पे वन प्लस वन, और यहाँ पे वन प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री अपॉन फोर, तो ये हो गया वन वन टू, वन प्लस टू थ्री, और यहाँ पे वन प्लस थ्री फोर अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल, थ्री टू था सिक्स, तो ये आ गया सिक्स. अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट एन इक्वल टू के वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यहाँ पे लाइन क्या लिखेंगे, लेट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के. तो हमने के को क्या माना यहाँ पे, नेचुरल नंबर, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम के रख देंगे, तो ये हो गया वन टू थ्री, टू थ्री फोर, तो यहाँ पे एन की जगह पे के, के प्लस वन, यहाँ पे के प्लस टू, और ये हो गया के, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री अपॉन फोर. अब हम ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन. अब जहाँ पे एन होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, के प्लस वन. हमने क्या शो किया, P1 ट्रू है, पी के के लिए हमने लेट किया कि ये ट्रू है, और हम अगर K के लिए ट्रू है तो इसका मतलब K प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा, तो वही हमने शो करना है. तो जहाँ पे n है वहाँ n की जगह पे वहाँ पे K प्लस वन लिखेंगे. तो ये स्टेटमेंट थी वन टू टू प्लस टू थ्री फोर, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, K प्लस वन, यहाँ पे K प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे K प्लस वन प्लस टू, तो ये हो गया. अब n की जगह पे k प्लस वन लिख रहे हैं तो उससे पहले k वाली टर्म भी तो होगी, तो मतलब कि k वाली टर्म के बाद ही k प्लस वन आएगा, तो ये होगा k, k प्लस वन, k प्लस टू, उसके बाद वाली टर्म होगी k प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे k प्लस वन प्लस टू, तो ये होगी k, k प्लस वन, k प्लस टू, इसके बाद वाली टर्म होगी यहाँ पे k की जगह पे इसकी नेक्स्ट टर्म k प्लस वन, और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में के, इस के की जगह पे के प्लस वन प्लस वन मीन्स के प्लस टू, और यहाँ पे के प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री, ये हो गया. उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या था, राइट हैंड साइड पे था एन, तो एन की जगह पे के प्लस वन आएगा, तो ये हो गया के प्लस वन, और यहाँ के प्लस वन मीन्स के प्लस टू. उसी तरह से के प्लस थ्री, उसी तरह से k प्लस फोर अपॉन फोर, इतना आ गया. अब जो ये टर्म थी इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आई थी k, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री बाई फोर,
तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देंगे k+1 k+2 k+3/4। और ये वैल्यू, अब ये वैल्यू ऐसी की ऐसी k+1 k+2 k+3 ये आ गया। अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम नहीं लिखते, लास्ट में लिख देंगे। तो इस एलसीएम, इसको एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम नहीं लेते हैं, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये k+1 k+2 k+3 दोनों में है, तो यहाँ से कॉमन लिया k+1 कॉमन लिया k+2 कॉमन लिया k+3 कॉमन लिया, तो अंदर रह गया k/4+1। यहाँ से सारा कुछ कॉमन लेंगे तो +1 अकेला 1 ही रह जाएगा। तो ये हो गया k+1 k+2 k+3 और ये हो गया k+4/4। तो यहाँ से हमें मिल गया k+1 k+2 k+3/4। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी, k+1 k+2 राइट हैंड साइड भी यही थी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हैंस PK+1 इज ट्रू, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको किसी को स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।